उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों सारस की चर्चा जोरों पर है। पक्ष और विपक्ष एकाएक इस मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राज्य के घने जंगलों में राजकीय पक्षी सारस और राज्य पशु बारह सिंघा के लिए विशेष पार्क विकसित करने की घोषणा की है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व यानी CSR फंड से वन विभाग को मिले मोटरसाइकिल और स्कूटी को हरी झंडी दिखाए जाने के अवसर पर बोल रहे थे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में वन विभाग को प्रदेश के जंगलों को इको टूरिज्म केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए सकारात्मक भाव के साथ काम करने के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि वन विभाग ऐसे विभागों को चिन्हित करे जिनसे पर्यावरण और वन संपदा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि इसके बाद CSR निधि को पर्यावरण संरक्षण के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए जल्द से जल्द एक व्यवस्था तैयार की जाए। वन विभाग को ये भी जिम्मेदारी निभानी होगी कि बारहसिंगा अगर राज्य पशु है तो बारहसिंगा के कुछ ऐसे पार्क स्थापित करे जाएं जहां जो जंगलों के बीच में जहां केवल बारहसिंगा संरक्षण की वो केंद्र बने, बारहसिंगा जहां पर कोई जाए तो हम बता सके ये यूपी का यह राज्य पशु है, इसको आप देखो वहां पे इसके संरक्षण के लिए उसके संवर्धन के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल क्षेत्र को फॉरेस्ट को ही हमने उसके लिए रिजर्व किया हुआ है। ऐसे ही राज्य पक्षी के रूप में सारस के भी संरक्षण के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे हम इसको कर सकते हैं, इस दिशा में भी वन विभाग अगर कार्य कर सकेगा, जो आपकी कार्य करने की पद्धति है और जो एक सकारात्मक भाव विगत 6 वर्ष के अंदर देखने को मिला है, यह और भी आगे ऊर्जावान बन पाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेठी जिले में आरिफ नामक शख्स और सारस की दोस्ती का मामला चर्चा में है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया, इसलिए इसने राजनीतिक रंग ले लिया। बता दें कि करीब 1 साल पहले घायल अवस्था में मिले सारस का आरिफ ने इलाज किया था, जिसके बाद वो आरिफ के साथ ही रहने लगा। वन विभाग की टीम ने हाल ही में सारस को उसके प्राकृतिक परिवेश में रखने के लिए उसे अपने साथ ले गई। बाद में उसे कानपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया था। इस मामले में आरिफ के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई है। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जिससे मिलने जाता हूं, सरकार उससे सब कुछ छीन लेती है। मैं सारस को दोस्त बनाने वाले आरिफ से मिलने गया तो उससे सारस छीन लिया गया। कानपुर में अपने विधायक से मिलने गया तो उसका जेल बदल दिया गया। सारस तो खुला रहता था, सरकार ने उसे पकड़कर पिंजड़े में बंद कर दिया। जो लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं वो अलोकतांत्रिक है। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छीना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। मुझे याद है अधिकारियों ने इटावा से सारस संरक्षण के लिए एक वो बना रहे थे रिसर्च सेंटर, उसको भी छीना इन्होंने। ये न केवल आम लोगों के दुश्मन हैं, किसानों के दुश्मन हैं, ये पेड़ पंछियों के भी दुश्मन हैं। अभी जो कार्यक्रम हुआ था इन्वेस्टमेंट मीट, इन्होंने पेड़ नहीं लगाया, पेड़ों को काटा छाटा, पेड़ उड़ा करके फेंक दिए। जो गमले लगाए वो सूख गए, चोरी हो गए और बीजेपी के लोग ही चोरी कर ले गए। फिलहाल अमेठी के सारस पर छिड़ी ये राजनीति कब खत्म होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।